मामला कस्बा बामन का है, जहां एक ब्यूटी पार्लर संचालिका रूबी, जिसकी 10 वर्ष पूर्व शादी हो चुकी है, पति से कोई विवाद होने के कारण वह अपने मायके कस्बा बावन में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर संचालित कर अपना गुजारा बसर करने लगी। इस बीच महिला के पड़ोस में ही रहने वाले आरिफ से महिला की मुलाकात हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। युवक महिला को नौकरी दिलाने के झांसे में लेते हुए उसे बाहर ले गया और युवक ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे मालूम हुआ कि उसके साथ गलत काम किया गया है। उसके बाद युवक पीड़िता को उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए संबंध बनाता रहा और अश्लील वीडियो और फोटो कब बनाए गए पीड़िता को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डालता रहा और बात ना मानने पर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा। पीड़िता ने जब इसकी धर्म परिवर्तन की बात को स्वीकार नहीं किया तो आरोपी युवक ने पीड़िता के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिए। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सर, मेरी शादी शुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके कारण हम अपने मायके रहने लगे। वहाँ अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी है। सामने आरिफ नाम का लड़का रहता है, परचूनी की दुकान है। उसकी दुकान में कभी कभी सामान लेने जाया करते थे। उसने कहा तुम्हारी हम नौकरी लगवा देंगे। नौकरी के झांसे में लेकर उसने हमें मुझे फरुखाबाद की ओर ले गया। उसने मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पिला के उसने बेहोश कर दिया, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दी। फिर गाड़ी में ही बलात्कार किया, मेरे साथ ब्लैकमेल करता रहा। फिर वो उसी फोटो वीडियो बना के ब्लैकमेल करता रहा। फिर मुझे जहाँ बुलाया था मैं जाती रही उसके साथ। फिर वो आए दिन मुझे बुलाता रहा, धमकाता रहा, बुलाता रहा, हर जगह बलात्कार किया मेरे साथ। फिर उसने एक दिन नहर के पटरी के पास बुलाया। फिर वहाँ भी उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। जब हमने मना कर दिया तब उसने कहा कि हम तुम्हारी फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे। उसने मेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दी। बोलने लगा हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हमने मना कर दिया तो उसने फ़ोटो वोटो सब वायरल कर दी हर जगह। उससे मेरी बदनामी भी, मेरी तहरीर भी बदल दी गई। पुलिस से शिकायत की आपने और पुलिस ने क्या आपकी मदद की? पुलिस कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरी तहरीर ही बदल दी। मुकदमा लिखवाने गए तो 4 दिन तो लिखा नहीं, फिर बाद में तो मेरी तहरीर ही बदल दी गई। महिला है जो कि कस्बा बावन थाना लोनार क्षेत्र की रहने वाली है और इनके पति से पूर्व से विवाद चल रहा था, जिस वजह से ये मायका इनका बावन में ही रहती थी। वहीं पे इन्होंने ब्यूटी पार्लर की एक अपनी दुकान खोल के जीविकोपार्जन भी करती हैं। दुकान के बगल में ही एक आरिफ नामक व्यक्ति की किराने की दुकान है। वहाँ पे सामान लेने आने जाने की वजह से इससे संपर्क हो गया और आरिफ ने इनको नौकरी और शादी का लालच दिया, झांसा देकर इनके साथ शारीरिक शोषण किया और उनका फ़ोटो वीडियो वायरल भी कर दिया है। इस संबंध में उनसे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत कराया गया है और युवती का मेडिकल रिपोर्ट कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, क्या आरोप क्या है कि ब्लैकमेलिंग करके शारीरिक शोषण किया गया और धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना दिया? हाँ, शारीरिक शोषण किया गया कि शादी कर लेंगे और उसमें ये कहा गया कि उसके द्वारा कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लोगी तभी शादी करेंगे। बाद में जब उन्होंने पूछा तो इसमें अभियोग पंजीकृत है, कार्रवाई की जा रही है।